कहीं कोई शादी के लिए कोई लड़की वगैरह देखी है अभी? नहीं, हाँ देखी थी लेकिन पर क्या हुआ, थोड़ा ब्रेकअप हो गया। कमाल है जनाब, कमाल है, वाह, इंटरव्यू का मजा यहीं से आएगा। अच्छा, मोहब्बत में दिल टूटा है? हाँ, मोहब्बत में दिल टूटा। कब टूटा है? आज से 6-7 महीने पहले। हाय हाय हाय, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, हो गया ऐसा कुछ लड़की को, तो बोला मैं नहीं करूंगी। तो घर वाले उसके ऊपर पड़ गए, मानता नहीं हो हमारे से शादी करने के लिए, कि नहीं वहाँ शादी नहीं करेंगे। तो फिर मैंने भी बोल दिया खुशी से जाओ, जब घर वाले नहीं मानते हैं जा, जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। हाँ, मैं अच्छा, अपनी तरह से जीऊंगा। अपनी तरह से। अब मोहब्बत में दिल टूटा है, दुख होता याद आती है? हाँ, तो दुख तब से, तो अब आज तक तो भूल, मैं तो भूल भी नहीं सकता हूँ उसको, ना मैंने बुला दिया अभी तक, ना मैंने किसी लड़की से प्रपोज किया, ना कुछ, बस। अच्छा, उसके सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं करूंगा? नहीं, कभी नहीं करूंगा। तब जब तक उसके हाथ में मेहंदी ना लगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। क्या जनाब, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर आप कहीं पे भी इसे देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करूंगा कि इसे फ़ोन करें। आपकी मोहब्बत में ये हमारा भाई जो है, ये इस वक्त इसका दिल चूर चूर हो गया है और कहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा जब तक आपके हाथों पे मेहंदी नहीं देखूंगा। अगर वो 2 साल शादी ना करे, आप 2 साल इंतज़ार करो? 2 साल क्या, मैं 10 साल तक इंतज़ार करूंगा। इतनी मोहब्बत? हाँ, कभी जाके कहना भी था उसको कि जनाब इतनी मोहब्बत? बोल तो दिया, समझा दिया, हर बात पे बोलता था ऐसा ऐसा है, मैं नहीं जी पाऊंगा। वो भी बोलती थी मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बगैर, तो पता नहीं फिर क्या हो गया बीच में ही। हाय, तो उसने भी बुला दिया, मैंने भी, लेकिन मैंने बुलाया नहीं, मैं तो अभी भी याद कर रहा हूँ। बातचीत आजकल नहीं होती? नहीं, कुछ भी नहीं, बात नहीं हो रही। अच्छा, रात को जब गाड़ी चलाते हो गाने शाने लगे रहते हैं? हाँ, रात भर याद करते हैं, दिन में भी रात में भी याद याद करते हैं उसको। अच्छा, उनके लिए ईद के ऊपर क्या मैसेज है? किनके लिए? उनके लिए। मैं तो उनके लिए। किसके लिए? किसके लिए? उनके लिए। क्या मैसेज है उनके लिए? तो मैं यही कहूंगा कि पहले ईद मुबारक कहूंगा उनसे। हाँ। तो बाद में कहूंगा खुश रहो, खुश रहो। हाँ। चाहे आप मेरे से मिलो या ना मिलो, लेकिन हर टाइम खुश रहो, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जियो। तो ये मत, मतलब कोई टेंशन मत ले लो, अपने आप पर मत ले लो टेंशन, बिल्कुल ठीक से रहो। ये कहोगे भूलना है या नहीं भूलना? वो तो उसको खुद को पता होगा। इस बार क्या ईद का तोहफा क्या मिलता उसका अगर वो आपकी जिंदगी में होती? उसको तो मैं तो उसको जो भी वो मांगती मैं दे देता। अगर वो आपसे आपका दिल मांग लेती, दिल भी निकाल के दे देता कर। आप तो मर जाते ना यार फिर। फिर तो मेरी जिंदगी क्या, जब वो जी जाती तो मैं मेरा दिल निकल जाता, तो वो खुश रहती, तो बस मेरा तो बस यही। मुझे लगता है आप 100 में से 100% लवर हो। सही बात है। मज़ा आ गया जनाब, मज़ा आ गया इनसे बातचीत करके। ईद के ऊपर इन्होंने पैगाम भी दे दिया, आदिल भाई को भी दिया जो उनके बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, उनके लिए भी मैसेज दिया, वो उनके बेस्ट फ्रेंड। अगर इस वीडियो के बाद आपकी शादी हो गई, कितनी खुशी होगी? मैं तो जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना मुझे उस टाइम मिल जाए। मेरे लिए कितनी खुशी होगी ये बताओ। आपके लिए तो हर टाइम बहुत 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 ज्यादा। मैं मिठाई घर पहुंचाओगे? हाँ, घर पहुंच जाऊंगा आपके। पक्का वादा? पक्का। अभी फोन नंबर लेता हूँ आपका, जब भी हो जाएगा ये तो पहले आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये बात तो पक्की करके रहेंगे हम, ये शादी करवाएंगे और इसको फॉलो अप तैयार हूँ। इस स्टोरी को मैं फॉलो अप करूंगा, मैं शादी होने के बाद ये स्टोरी फॉलो अप जरूर करूंगा। देखिए जनाब, कहते ना कभी कभी इंसान का दिल टूट जाता है, फिर अल्लाह जोड़ने के लिए किसी को भी बीच में ना, वो कहते हैं ना, थर्ड पार्टी बनाते हैं, वसीला बनाता है। बड़ा अच्छा अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो शायद मैं वही वसीला बन चुका हूँ इस वक्त, शायद ऐसा हो सकता है। रोए हो कभी? रोया हूँ तो रोने की बात ही नहीं मत बोलो भाई। बहुत, हाँ, हद से ज्यादा दिल से तो बहुत रोया हूँ, आज भी रोता हूँ दिल से, लेकिन क्या करें, तो अल्लाह पे सब छोड़ दिया, अल्लाह ने लिखी होगी किस्मत में तो आएगी। क्या कहा, कुछ कोई कमी आप में थी? पता नहीं, वो तो उनके घर वालों को पता है, तो वह वो तो नहीं बोलती थी कि आप में कोई कमी है। अच्छा, उसका दिल था आपके साथ? सही दिल था, वो मानती नहीं, बिल्कुल खाना भी नहीं खाती थी जब तक मुझे फ़ोन नहीं करती मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। तो अब उसने घर वालों की वजह से? हाँ, अब जब वो खाना नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाता था, मैं नहीं खाता था वो भी नहीं खाती थी। कहते हैं गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, हर कहानी का एक अलग मज़ा है। जनाब, आज शायद फिर से ये घर जुड़ने वाला है, शायद उस परिवार को ये वीडियो पहुंचेगा, वो देखेंगे कि किस हालत में ये शख्स है और आंखों में आंसू भी हैं। मैंने ऑफ द कैमरा जब इनसे बात की, ये बड़े परेशान थे, रो रहे थे। बेस्ट फ्रेंड तो वो कौन है, कौन लड़का है आपका बेस्ट फ्रेंड? वो तो घर पे आदिल नाम है उसका। आदिल को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं, आदिल भाई से ही तो यही मैं कहूँगा, मैं हर भाई से यही कहूँगा जो भी मेरे साथ, मतलब जो अपना दोस्त है, फ्रेंड है, मैं उसके लिए बस यही बोलता हूँ कि मेरे लिए दुआ करो कि मुझे वो मिल जाए बस। मर जावा यार, ये बंदा इश्क में टूटा हुआ है यार, कहता मुझे मिल जाए, और अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो फिर देखते हैं, अल्लाह ने किस्मत में लिखा होगा, शादी तो करूंगा। वैसे तो मेरा प्लान नहीं है शादी करने का, मैं उसके सिवा नहीं करनी, नहीं करूंगा, चाहे चांद तारे एक हो जाए। सही बात है, कभी नहीं, कभी नहीं।
ये दिल में ठान के ये तो मैंने उसको भी वादा किया है कि आप कर लो, अगर आपको शादी करनी है तो करो, नहीं तो मैं नहीं कर सकता किसी से शादी। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। हाय 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 हाय, क्या बताऊं जनाब, ये भाई मिल के मज़ा आ गया इनके साथ आधा घंटा बैठ के बातचीत करके। इस वक्त रात के ठीक 12 बज चुके हैं और मैं एक ट्रक के अंदर हूँ। लॉकडाउन के बीच में एक ट्रक ड्राइवर की क्या ज़िंदगी है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, कितनी मुश्किलात आती हैं, और एक ट्रक ड्राइवर इस लॉकडाउन के पीरियड में यानी कि इस लॉकडाउन के दौर में किस तरीके से अपने घर परिवार को मिस करता है। हमने देखा है कि कई सारे ड्राइवर जो हैं वो इस वक्त रास्ते में हैं, हमारा एसेंशियल सामान यानी कि हमारी ज़रूरत वाला सामान जो है वो जम्मू से श्रीनगर लेकर जाते हैं, और हम लोगों तक इन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। हम ये कहेंगे कि कोविड की महामारी में फ्रंट लाइन वर्कर हैं ये लोग, फ्रंट लाइन वॉरियर हैं ये लोग, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर भी जो है वो पूरी रात चलता है और हम लोगों की ज़रूरतमंद जो सामान है वो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से मेरे साथ मेरे एक आज भाई हैं, इनसे पूरी बातचीत करेंगे कि इनकी क्या ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। निसार भाई, एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी क्या है पहले ये बताएं, और लॉकडाउन चल रहा है, खाना पीना मिल रहा है या कभी कभार भूखा भी रहना पड़ता है? हाँ, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है, उधर जाते हैं वो लाने के लिए सब्जी वब्जी नहीं मिलती है, लॉकडाउन है। अच्छा। पूरा बंद है। तो आज भी यहाँ गए थे दूध लेने तो मिला नहीं, फिर उसको बुलाया, फिर आ गया वो, फिर दिया उसने दूध। मुश्किल तो होता है लॉकडाउन में। अच्छा, कितनी खुशी होती है कि आप लोगों का ज़रूरतमंद सामान है जैसे सब्ज़ी बाकी सामान है वो लेकर यहाँ से वहाँ पहुँचाते हो, क्योंकि इस कोविड के बीच में आप लोगों का भी एक बड़ा रोल है, तो दिल कितना खुश होता है? मेरा दिल तो खुशी रहता है, क्योंकि मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि जो मतलब ये तो एक तो लोगों की खदमत ही करते हैं हम। हाँ, यहाँ से हम सामान लेके जाते हैं तो पहुँचाते हैं, उनकी भी ज़रूरत सामान पे पहुँचाते हैं, हम टाइम पे माल पहुँचाते हैं, तो लोग भी हमारे लिए पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं तो अपने दिल से यही मतलब मानता हूँ कि मैं तो काम ठीक ही करता हूँ, शुक्र अल्लाह का मैं इस पर ही ठीक हूँ। अच्छा, ये ट्रक चलाते हुए कितना समय हो गया? मेरा तो 4 साल हो गया। 4 साल हो गए हैं, और 4 साल में कोई एक ऐसा लम्हा जो आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा हो, जब आप बहुत खुश हों कि जनाब गाड़ी चलाते हुए या कहीं पे रात रुके हों जहाँ पे आपको बहुत खुशी हुई हो, कोई एक ऐसा मेरे जितने लोग देख रहे हैं इनके साथ? ये तो हर पल जब घर से ही निकलते हैं तो खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन जब यहाँ रहते हैं 2-3 महीना रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, तो घर वालों को मिस करते हैं। हाँ। अच्छा, शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई। क्या इरादा, शादी कब करनी है? शादी करेंगे, अब देखेंगे इंशाल्लाह होगा किस्मत में, लेकिन घर वालों ने कहीं कोई शादी के लिए कोई लड़की वगैरह देखी अभी नहीं? हाँ, देखी थी, लेकिन पर क्या हुआ, थोड़ा ब्रेकअप हो गया। कमाल है जनाब, कमाल है, वाह, इंटरव्यू का मजा यहीं से आएगा। अच्छा, मोहब्बत में दिल टूटा है? हाँ, मोहब्बत में दिल टूटा। कब टूटा है? आज से 6-7 महीना पहले। हाय हाय हाय, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, हो गया ऐसा कुछ लड़की को, तो बोला मैं नहीं करूंगी। हाँ। तो घर वाले उसके ऊपर पड़ गए। हाँ। मानता नहीं हो हमारे से शादी करने के, लेकिन वहाँ शादी नहीं करेंगे। अच्छा। तो फिर मैंने भी बोल दिया खुशी से जाओ, जब घर वाले नहीं मानते। हाँ। तो जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। हाँ। मैं अच्छा। अपनी तरह से जीऊंगा। अपनी तरह से। अब मोहब्बत में दिल टूटा है, दुख होता याद आती है? हाँ, तो दुख तब से, तो अब आज तक तो भूल भी नहीं सकता हूँ उसको, ना मैंने बुला दिया अभी तक, ना मैंने किसी लड़की से प्रपोज किया, ना कुछ, बस। अच्छा, उसके सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं करूंगा? नहीं, कभी नहीं करूंगा। जब तक उसके हाथ में मेहंदी ना लगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। क्या जनाब, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर आप कहीं पे भी इसे देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करूंगा कि इसे फ़ोन करें, आपकी मोहब्बत में ये हमारा भाई जो है ये इस वक्त इसका दिल चूर चूर हो गया है, और कहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा जब तक आपके हाथों पे मेहंदी नहीं देखूंगा। अगर वो 2 साल शादी ना करे, आप 2 साल इंतज़ार करो? 2 साल क्या, मैं 10 साल तक इंतज़ार करूंगा, इतनी मोहब्बत। हाँ, कभी जाके कहना भी था उसको कि जनाब इतनी मोहब्बत? बोल तो दिया, समझा दिया, हर बात पे बोलता था ऐसा ऐसा है, मैं नहीं जी पाऊंगा। वो भी बोलती थी मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बगैर, तो पता नहीं फिर क्या हो गया बीच में ही। हाय, तो उसने हाय, भी बुला दिया, मैंने भी, लेकिन मैंने बुलाया नहीं, मैं तो अभी भी याद कर रहा हूँ। बातचीत आजकल नहीं होती? नहीं, कुछ भी नहीं, बात नहीं हो रही। अच्छा, रात को जब गाड़ी चलाते हो गाने शाने लगे रहते हैं? हाँ, रात भर याद करते हैं, दिन में भी रात में भी याद करते हैं उसको। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे ख़ास चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि घर परिवार की कितनी याद आती है, माँ बाप को कितना मिस करते हो? माँ बाप को तो मिस करते ही हैं, बहुत मिस करते हैं। और घर में कोई एक ऐसा आदमी जिसके साथ आपकी ज़्यादा मोहब्बत हो, जिसको आप ज़्यादा फ़ोन करते हो? घर में तो माँ बाप है, भाई भी है, वो भाई 2-3 हैं, तो सब घर पर हैं, लेकिन घर वालों की तो सब की याद आती है।
अच्छा आप कुछ 4 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, ये बड़ी गाड़ी चलाते हैं या छोटी भी? नहीं, ये 12 चक्कर चलाते हैं। ये इतनी बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है कोई? हाँ, ये तो इसमें तो मजा आता है चलाने में, छोटी गाड़ी हम चला नहीं पाते हैं। इसमें क्या मजा है जनाब, ये बताओ। इसमें इसकी सवारी तो अलग होती है, जैसे वो छोटी गाड़ी चलाते हैं, अभी आप बाइक पे बैठोगे तो बाइक की सवारी अलग होती है, अभी बैठोगे सफारी में तो उसकी सवारी अलग होती है। ये हमारी, हाँ, और इस गाड़ी की अलग होती है, इस गाड़ी की अलग होती है। यार कभी ऐसा भी तो होगा ना, रात को अकेले चलते होंगे, डर शर लगता होगा? नहीं, जब घर से निकले हैं तो डरना किसको है, अब मरने को तो एक दिन तो देना ही देना है। घर से निकले तो बस अल्लाह का नाम लेकर निकले तो कोई परेशानी, जब कहीं लगता है तो खतरा भी है तो आराम से गाड़ी साइड में लगा के सो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सोते नहीं है। हो जाता है, गुजारा हो जाता है इस तनख्वाह से? हो तो नहीं जाता है, लेकिन पर क्या करें, जिंदगी तो अब किसी तरह तो गुजारना पड़ते हैं। अच्छा, इस कोरोना वायरस के बीच में पूरे लॉकडाउन में आप लोग गाड़ियां लेके चलते रहते हो, दिन रात चलते रहते हो, कोई एक ऐसा लम्हा कि जिसमें काफ़ी दुख हुआ हो दिल को कि मैं एक ड्राइवर हूँ, आज मुश्किलात में फंसा हुआ हूँ, और ऐसा कोई एक मोमेंट हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहिए? हाँ, होता है, हर जब आते हैं, जब खाना पीना सब कुछ ये तो कुछ मिलता नहीं है, तो रास्ते में जाते हैं, कहीं भी कुछ मांगो, पानी पिए, आज तो गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी पिए और कुछ पिए, ठंडा पिए, लेकिन कहीं मिलता नहीं, परेशानी तो होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपसे ये भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपने मोहब्बत की बात की, थोड़ी सी और छेड़ना चाहूँगा क्योंकि लोगों को मज़ा आ रहा होगा देखने में आपके साथ। मुझे ये बात बताएं कि अब क्या प्लान है आगे का, ज़िंदगी का क्या प्लान है? ज़िंदगी का यही प्लान है कि अगर अल्लाह ने चाहा, होगा तकदीर में उसके साथ तो करूँगा शादी उसके साथ, अगर नहीं होगा तो देखता हूँ, अगर 10 साल भी वो शादी नहीं करेगी तो 10 साल मैं इंतज़ार करूँगा, फिर उसके बाद देखूँगा, अल्लाह ने किस्मत में लिखा होगा शादी तो करूँगा। रोए हो कभी? रोया हूँ तो रोने की बात ही नहीं, मत बोलो भाई, बहुत, हाँ, हद से ज़्यादा दिल से तो बहुत रोया हूँ, आज भी रोता हूँ दिल से, लेकिन क्या करें, तो अल्लाह पे सब छोड़ दिया, अल्लाह ने लिखी होगी किस्मत में तो आएगी। क्या कहा, कुछ कोई कमी आप में थी? पता नहीं, वो तो उनके घर वालों को पता है, तो वो तो नहीं बोलती थी कि आप में कोई कमी है। अच्छा, उसका दिल था आपके साथ? सही दिल था, वो मानती नहीं, बिल्कुल खाना भी नहीं खाती थी जब तक मुझे फ़ोन नहीं करती मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। तो अब उसने घर वालों की वजह से? हाँ, अब जब वो खाना नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाता था, मैं नहीं खाता था वो भी नहीं खाती थी। कहते हैं गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे हैं जो घुटनों के बल चलें, हर कहानी का एक अलग मज़ा है जनाब। आज शायद फिर से ये घर जुड़ने वाला है, शायद उस परिवार को ये वीडियो पहुंचेगा, वो देखेंगे कि किस हालत में ये शख्स है, और आंखों में आंसू भी हैं। मैंने ऑफ़ द कैमरा जब इनसे बात की, ये बड़े परेशान थे, रो रहे थे, मैंने पूछा क्या हुआ जनाब, तो कहने लगे जनाब इश्क में दिल टूटा है, तो मैं हंसने लगा, मैंने कैसे मजाक कर, लेकिन जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे वाकई महसूस हुआ कि नहीं, ये सच कह रहे हैं, हकीकत है। तो शायद इस डेली तस्कीन के इस वीडियो के बाद ये घर बसने जा रहा हो, शायद उस हमारी बहन के घर तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसके माँ बाप जो हैं वो इस शादी के लिए हाँ कर दें और हमारे इस भाई का घर बस जाए। अगर इस वीडियो के बाद आपकी शादी हो गई, कितनी खुशी होगी? मैं तो ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितने मुझे उस टाइम मिल जाए। मेरे लिए कितनी खुशी होगी ये बताओ। आपके लिए तो हर टाइम बहुत 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 ज़्यादा। मैं मिठाई घर पहुँचाओगे? हाँ, घर पहुँच जाऊँगा आपके। पक्का वादा है? पक्का, अभी फ़ोन नंबर लेता हूँ आपका, जब भी हो जाएगा ये तो पहले आपके पास पहुँच जाऊँगा। ये बात तो पक्की करके रहेंगे, हम ये शादी करवाएंगे और इसको फॉलोअप, तैयार हूँ इस स्टोरी को मैं फॉलोअप करूँगा, मैं शादी होने के बाद ये स्टोरी फॉलोअप ज़रूर करूँगा। देखिए जनाब, कहते ना कभी कभी इंसान का दिल टूट जाता है, फिर अल्लाह जोड़ने के लिए किसी को भी बीच में ना, वो कहते हैं ना, थर्ड पार्टी बनाते हैं, वसीला बनाता है, बड़ा अच्छा अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो शायद मैं वही वसीला बन चुका हूँ इस वक्त, शायद ऐसा हो सकता है। कुछ लिखा पढ़ा है आपने? हाँ, पढ़ा है, पढ़े लिखे पढ़े दसवीं जमात तक बस। हाँ, तो उसके बाद नहीं पढ़ा? उसके बाद नहीं पढ़ा। उसके बाद इसी गाड़ी के साथ रहे? नहीं, मैं घर पे ही बैठा था, उसके बाद मैं घर। ये शौक कहाँ से पड़ा यार ड्राइवरी करने का? बीच में पड़ गया, मैं एक बार वो अपना सेब निकलता है घर पे, तो 2-3-4 गाड़ी निकलती है घर पे, तो मैं गया ड्राइवर के साथ, वो अपना ही था, एक पुफी का लड़का था, उसके साथ में गया दिल्ली घूमने, तो ऐसे उसने गाड़ी उधर से लाई, लखनपुर में लगा दी, वो बॉर्डर पे गाड़ियां लगाती थी लाइन में, उसने लाइन पे गाड़ी लगा दी, उसके पास खलासी भी नहीं था, उसने बोला मैं एक पर्ची बनाने जाऊंगा, तो वो पर्ची बनाने गया, मैं गाड़ी पे चढ़ गया, मैंने गाड़ी सीधा लगा दी आगे कांटे पे, तो फिर मेरे को उसी टाइम से शौक लग गया, मैंने बोला नहीं अब तो गाड़ी में सीखूंगा। और ये भी बड़ी बात, फिर उसके बाद मैं गया गाड़ी के साथ, लेकिन घर वालों ने नहीं माना, वो 6 महीने मेरे साथ बात ही नहीं करते थे। क्यों? बिल्कुल नहीं, वो बोलते थे ये काम नहीं करना है हमको, अच्छा ड्राइवरी नहीं करना, नहीं हमको, आप घर पे बैठो, हाँ, जो भी मांगोगे वो दे देंगे, लेकिन गाड़ी के साथ नहीं जाने देंगे। मतलब घर का अच्छा खर्चा था? हाँ, घर खर्चा तो ठीक है शुक्र अल्लाह का,
तो ये शौक की वजह से कर दिया। हाँ, फिर मैंने बोल दिया घर वालों को, नहीं मैं गाड़ी चलाऊँ। उन्होंने बोले फिर भी यहीं लोकल ड्राइवरी करो, लेकिन बाहर जाने नहीं देंगे। फिर मैं गया 5-8 दिन गया, वो छोटी सोमू है ना, सोमू के साथ में गया, 5 अपना ही सोमू है घर पे, वो बाइक चलाता था। तो फिर मेरे बाप ने उसको बोल दिया अगर आपने इसको गाड़ी सिखा दी तो मैं गाड़ी ही भेज दूंगा। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये तो इसको बोल दिया आपने, लेकिन मैं बाहर जाऊंगा तब तो आप मेरे को एक एक महीने के बाद घर देखो, घर पे देखोगे वापस। अच्छा, कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन है, 4 भाई हैं। अच्छा, 4 भाई, बाकी सब ड्राइवरी करते हैं या कुछ नहीं, और काम करते हैं? नहीं, सब घर का फ्रूट बिजनेस करते हैं। अच्छा, आप एक ड्राइवर हो? हाँ। और खुश हो? जबरदस्त। बस जिससे मोहब्बत हुई थी वो भी खुश थी? नहीं, हाँ वो भी खुश थी, वो भी बहुत खुश थी। वो मेरे मतलब घर पे बैठता था मैं तो वो बोलती थी क्यों घर पे बैठते हो, ऐसे लोग बातें करते हैं, वो करते हैं, करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी। हाँ, अपनी मेहनत से कमाओ, खाओ, इज्जत से खाओ। तो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा तो बेस्ट फ्रेंड तो कौन है, कौन लड़का है आपका बेस्ट फ्रेंड? वो तो घर पे आदिल नाम है उसका। आदिल को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं, आदिल भाई से ही तो यही मैं कहूँगा, मैं हर भाई से यही कहूँगा जो भी मेरे साथ मतलब जो अपना दोस्त है, फ्रेंड है, मैं उसके लिए बस यही बोलता हूँ कि मेरे लिए दुआ करो कि मुझे वो मिल जाए बस। मर जावा यार, ये बंदा इश्क में टूटा हुआ है यार, कहता है मुझे मिल जाए, और अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो फिर देखते हैं, अल्लाह ने किस्मत में लिखा होगा, शादी तो करूंगा। वैसे तो मेरा प्लान नहीं है शादी करने का, मैं उसके सिवा नहीं करने, नहीं करूंगा, चाहे चांद तारे एक हो जाएं। सही बात है, कभी नहीं। ये दिल में ठान के, ये तो मैंने उसको भी वादा किया है कि आप कर लो, अगर आपको शादी करनी है तो करो, नहीं तो मैं नहीं कर सकता किसी से शादी। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। हाय 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 हाय, क्या बताऊं जनाब, ये भाई मिल गए, मज़ा आ गया इनके साथ आधा घंटा बैठ के बातचीत करके। अच्छा, आदिल के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज, कुछ भी इस वक्त अगर आदिल आपको देख रहे होंगे या ऑन एयर होने के बाद आपको आदिल देखेंगे, आप इस वक्त जम्मू में हैं, कश्मीर जा रहे हैं ना? हाँ, घर जा रहे। अच्छा, घर जा रहे हो। आदिल के लिए कोई मैसेज वगैरह, कुछ भी ईद के ऊपर कोई कुछ मैसेज? अच्छा, उनके लिए ईद के ऊपर क्या मैसेज है? किनके लिए? उनके लिए। मैं तो उनके लिए किसके लिए किसके लिए उनके लिए, लिए? क्या मैसेज है लिए? उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि पहले ईद मुबारक कहूंगा उनसे। हाँ। तो बाद में कहूंगा खुश रहो, खुश रहो। हाँ। चाहे आप मेरे से मिलो या ना मिलो, लेकिन हर टाइम खुश रहो, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जियो। तो ये मत मतलब कोई टेंशन मत ले लो, अपने अपने आप पर मत ले लो टेंशन, बिल्कुल ठीक से रहो। ये कहोगे भूलना है या नहीं भूलना, वो तो उसको खुद को पता होगा। इस बार क्या ईद का तोहफा क्या मिलता उसका अगर वो आपकी जिंदगी में होती? उसको तो मैं तो उसको जो भी वो मांगती मैं दे देता। अगर वो आपसे आपका दिल मांग लेती, दिल भी निकाल के दे देता कर। आप तो मर जाते ना यार, फिर तो मेरी जिंदगी क्या, जब वो जी जाती तो मैं मेरा दिल निकल जाता, तो वो खुश रहती, तो बस मेरा तो बस यही। मुझे लगता है आप 100 में से 100% लवर हो। सही बात है। मज़ा आ गया जनाब, मज़ा आ गया इनसे बातचीत करके। ईद के ऊपर इन्होंने पैगाम भी दे दिया, आदिल भाई को भी दिया जो उनके बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, उनके लिए भी मैसेज दिया, वो उनके बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, उनके घर में उनके मम्मी पापा को किसी को कोई मैसेज देना हो इम्पोर्टेंट सा, कोई अपनी तरफ से कोई सफाई पेश करनी हो, बड़ा अच्छा मौका है। जो आपकी वो थी उनके वालिद साहब को या उनकी अम्मा जान को कोई भी मैसेज देना हो? तो नहीं है उनके, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ उनको कि अगर उनको लगता है कि मतलब मेरे साथ शादी करने को उनको, तो मैं हर क्या जो भी उसको ज़रूरत होगा मैं करूँगा, सब कुछ करूँगा, उसके लिए भी जान भी दे सकता हूँ। तो बस वो मौका दें, वो बस एक बार मौका दें, बाकी उनको अपनी मर्जी है वो क्या करें। लेकिन वो उन्होंने यही बोला लड़की को कि आप उसके साथ शादी नहीं कर, मैं हम करने नहीं देंगे उसके साथ शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो फिर मैंने बोला लड़की को भी तुम अपना इज्जत मत गिराओ मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए खुश रहो, खुश रहो, तुम खुश रहो। चलो जी, हम भी ये कहेंगे खुश रहो, आबाद रहो। जो भी हमारी बहन है जहाँ पे भी है, जिस जगह पे भी, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। और कोई शायरी, कोई गाना, कोई शायरी? नहीं, शायरी आती है? कोई नहीं आती है, लेकिन एक एक शायरी बता दो। एक देख, मेरा कैमरामैन बोल रहा है सब। आपसे बात तो मैंने की, बस अब बस। अच्छा, शायरी नहीं बोलनी? अच्छा चलो जी, शायरी नहीं बोल रहे हैं, ये शर्मा रहे हैं इस वक्त, शायरी नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन जितनी भी उन्होंने बात की बहुत अच्छी की, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इतनी सारी बातें कि हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारी पूरी डेली तस्कीन की टीम शुक्रगुजार है, इवन मेरे कैमरामैन के, मेरे सब एडिटर की, सबकी चॉइस थी कि आप शायरी बोलें, पर आप बोल नहीं रहे हैं, तो अब हम क्या करें? यह हम गरीबों की एक डिमांड थी, एक छोटी सी। वो देखो आपके पीछे से आपका दोस्त जो बोल रहा है,
वो देखो जनाब देखो, वो भी इनको बोल रहे शायरी बोलो, ये बोलते नहीं शायरी नहीं बोलूंगा, बस बस शायरी से नहीं जाऊंगा। बैठने वाले समझ जाए बस, मैं आप अल्लाह से यही दुआ करूं कि जल्दी पहुंच जाए मेरा, मेरी जिंदगी सवर जाए, वरना तो मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक खत्म है। चलो जी, आप सबने भी इस वीडियो को देखा, जहाँ पे भी हैं आबाद रहे। इस वीडियो को बनाने का मकसद था आप लोगों के साथ हंसी मजाक, एक ड्राइवर की लॉकडाउन की ज़िंदगी और मोहब्बत में टूटा हुआ एक ट्रक ड्राइवर का दिल। अक्सर आपने कहा ना, ट्रक ड्राइवरों के गाड़ियों के पीछे शायरियाँ लिखी होती हैं, और जब भी हम कभी शायरी बोलते हैं तो हमें भी बोलते हैं जनाब आप ट्रक ड्राइवर थोड़ी हो, आप ये शायरियाँ बोल रहे हो। और आज मैंने बताया कि क्यों शायरियाँ लिखी होती हैं ट्रक ड्राइवरों के, ये ट्रक के पीछे वो शायरियों का कारण ये है, जब दिल टूट जाता है ना इश्क में मोहब्बत में, तभी ऐसी शायरियाँ जो हैं वो लिखी जाती हैं। हमने इस वीडियो को आप तक पहुँचाने का सिर्फ यही मकसद रखा कि हम प्यार मोहब्बत का कोई पैगाम पहुँचाएँ, हम इज़्ज़त का कोई पैगाम पहुँचाएँ, बस इसीलिए हमने कोई भी किसी को भी कोई यहाँ पे वो टॉर्चर नहीं किया, हमने किसी के ऊपर कोई निशाना नहीं रखा, हमने सिर्फ प्यार मोहब्बत इज़्ज़त से, हंसी मजाक से, इखलाक से सिर्फ हमने आप लोगों तक एक छोटी सी गुफ्तगू पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद रखता हूं अगर पसंद आई हो हमारी ये चंद बातें तो शेयर ज़रूर करेंगे, आदिल भाई के महबूब तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब जम के शेयर करो क्योंकि आदिल भाई के महबूब तक पहुंचनी चाहिए उनकी दिल की बातें। फ़िलहाल आप दीजिए अपने मेज़बान आमिर सुल खान को इजाज़त, देखते रहें डेली तस्की।